सुबह उठते हैं, आज भूख लग रही है और ये हमारे सामने है शाम में कबाब की टिक्की। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, ये मेरा रियल चेहरा। तो गाइस, जिंदगी का एक हफ्ता और ख़त्म हो चुका है और पूरे एक हफ्ते बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है थोड़ी परेशानी चल रही है अभी भी, तो वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं और मैं ऑफ़िस जाने लग रहा हूँ, तो इस वजह से और मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम इधर को हो रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं, इस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी हूँ अभी। मैं सोचा एक ऑफ़िस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा पूरे हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते मैं दिखाऊँगा आप लोग क्या होता है, एक जो बंदा जॉब करता है उसको क्या उसकी लाइफ होती है, इस तरह की सोच रहा हूँ मैं, एक वीडियो बनाऊँगा, बहुत जल्द आएगी वीडियो, तो आप वो भी देखना। तो फ़िलहाल तो आज जुमा है और नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ लिया है और अभी देखते हैं अम्मी कहाँ पे है। तो अम्मी वाइट वाइट पहन रखा है अम्मी ने, आज हचन लग रही है अम्मी, तो हचन तो बात है, पहले तो ऐसी लाइफ ही नहीं, आज से हज कर लिया से बोल दो ना यार, बोले आगा अमन क्यों तुम जा रहे हो, क्या शर्म आ रही? अरे अम्मी समझा करो थोड़ा सा, क्या समझा करो, देखते पहली बार यहाँ पे मिलेगा ही क्यों नहीं मिलेगा, मैं मालूम करता हूं, हमारा 8 नंबर के लिए मिलता है, हमारा वहां मिलता है, क्योंकि एड्रेस ही वहीं का पड़ा वहां ना। हां फिर है, अब मैं यहां दिखा के आई हूं, परसों पढ़ रहा था ना, तो बोला कल लेकर आना तो मैं देख लूंगा, मैं लेकर गई थी कार्ड, पहले तो वो बोले ये ओरिजिनल लेके मत आया करो, राशन कार्ड है ना हमारा इतना बड़ा, बोला ये मत लेके आया करो, अगर ये खो गया तो बनेगा नहीं, ये सरकार की मोहर लगी हुई इस पे, और बोला तुमने यहाँ के कार्ड बनवा लिया हो यहीं से लेके जाया करो, तो आना मन वो तो निकाल रहा था ना गेहूँ, गेहूँ तो आ गया, चावल रहेगा शायद, लेकिन तो, अम्मी यार एक बात बताओ, जब हमारा कार्ड वहाँ का तो यहाँ कैसे मिल जाएगा? सुन, तो बोला चलो तुम्हें मैं दूंगा, मैंने कहा मैंने उससे नहीं कहा कि हमारे चावल आ गया गेहूँ, मैंने अंगूठा लगाया, अब उसे पता चल गया तो बोले तुम्हारे गेहूँ से निकल गए मैंने कहा शायद हमारा बेटा नहीं आया, ठीक है बोले चावल चावल बच रहा है तुम्हारे, बोले चावल ले लो, तो मैंने लाए चावल, हाँ बोल रहे दे देंगे, हाँ कैसे दे देगा, मेरे साथ चल रहा, चलो चलो देखते भाई, नहीं हम ले आएंगे कोई बात नहीं, चलिए देख आटा छान गया, कितनी गंदगी से देख तो ले, जवान जवान हथनी हो रही है, देखो कैसे फैला फैला के गई, और आधा आटा छाना, आटा भी छानना, फिर भी गंद कर रहे, कैसी अम्मी किसको गई है, तुम्हें गई किसको जा रही है, हमें यहाँ तो नहीं गई अम्मी, हम तो मेहनती एक नंबर के, खाने में क्या बनेगा, क्या है, लोबिया, लोबिया की फली बोले, सेम की फली अम्मी है, सेम की दूसरी है चोरी वाली, किसे लोबिया की, ओके ओके, हाँ सही कर रहे हो, इसमें रोगी की फली बोलते हैं इसे, जो ज्ञान आप हमें दे रहे थे थोड़ी देर पहले, पब्लिक को भी थोड़ा सा आप ज्ञान अपना प्रदान कर सकते हैं। मैंने आज वीडियो देखी थी, बहुत से लोगों को पता ही होगा, मेरे को पहले से भी पता था और आज भी मैंने देखी तो मुझे याद आ गया, तो मैंने उसे बता दूँ कि मुझे बता देना चाहिए, तो आपको सब बहुत से लोगों को पता ही होगा और बहुत से लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी कि हमारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जाने अनजाने में खा लेते हैं और अभी तक खाते आए हैं, पर वो नहीं खाना चाहिए, हराम है, हराम है, बिल्कुल बिल्कुल हराम है, हराम, हाँ अच्छा, उसमें कुछ हराम चीज़ें मिलाई जाती हैं या उनका कोई सिंबल ऐसा होता है जो हमें हमारे लिए हराम है, तो एक तो है डोरिटोस, ठीक है, दूसरा है चीज़ केक, मैंने आज तक चीज़ केक नहीं खाया, तो चीज़ केक तो अवाना स्टार्ट हुआ है, एक है डोरिटोस चीज़ केक और ओरियो, और ओरियो के बाद है, मैंने इसका भी सुना था किटकैट का भी,
किटकैट का मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, बाकी एक है मार्शमेलो। मार्शमेलो तो मुझे मार्शमेलो से एक चीज़ याद आई, एक बार है ना हम मार्शमेलो लेके आए थे, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी मार्शमेलो खाया ही नहीं था, ना मैंने खाया था ना इन्होंने खाया था, कभी नहीं खाया था ना आज तक। तो हमने लेके आए थे ट्राई करने के लिए, पर उस समय तक हमें पता नहीं था कि ये गलत चीज़ है, नहीं तो हम कभी खाते नहीं, अल्लाह माफ़ करे। तो एक लड़की को मैसेज आया था कमेंट, तो उसने बोला था कैसे गवार लोगे इन्होंने, वो थी मुसलमानी, तो वो हमें बोल रही कैसे गवार लोगे इन्हें आज तक मार्शमेलो को नहीं पता, मैं तो आए दिन खाती हुई ऐसे करके उसने कुछ बात बोली थी। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ बहन आप खाती थी बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मतलब बहुत रईस और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, पर ये हमारे लिए हराम होता है, तो आप खाती हुई हो तो मत खाना। हमने बताया भाभी को, तुमने बताया भाई? मैंने कितनी बार वीडियो देख के तुम लोगों को बताया। हाँ जी हाँ जी, अभी बता अभी बताने रही है तुम्हें भाभी ने फिर बात। अच्छा अच्छा ये ऐसे कर करके सारे नमक पारे खा जाएगा तुम्हारे। तो मैं उस लड़की को यही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन अब छोड़ दे। उन्हें बहुत गंदे तरीके से बोला था, इतने गवार हैं इन्हें आज तक ये नहीं पता मार्शमेलो की कोई चीज़ होती है, मैंने सोचा अल्लाह का शुक्र है मैं ये नहीं पता था मार्शमेलो की खाने में चीज़ होती है, गलती करी खा के और खाने में कती बकवास फॉर्म है, बिल्कुल बकवास। हां ऐसा लगता था कच्ची फॉर्म का है, फॉर्म का है सच्चे तो फॉर्म ले लेके मार्शमेलो का स्वाद ना हो, मैं कभी ना खाऊं, वो गलती से आ गई, गलती से आ गई मुझे नहीं पता, अब ये बात बता दे तो मैं तो फेंकाते रास्ते में। खाया मुरब्बा? नहीं मुरब्बा का हमने खाया, क्या मुरब्बे का चाह रहे हैं? हां इसको बोलते हैं, सॉरी मुरब्बे का नहीं आंवले का। आंवले का, आंवले का मुरब्बा है, मैं नहीं खाता मीठा होगा यार वो। हाँ तो खा के तो देख ले कौन खा रहा है। इस पे क्या लगा हुआ है काला काला? वो जड़ है इसकी, जड़ में क्या लगा हुआ, ये जड़ है जड़ देख ले। ओके तो गाइस ये मुरब्बे का सॉरी आंवले का मुरब्बा। हाँ सेब का, सेब का मुरब्बा वो भी ऐसे होता है क्या? मीठा ही होता है उसे, मुरब्बा मीठा उसका फायदा क्या है? फिलहाल मैंने यही सुना बहुत फायदे हैं इसका, अभी तबियत खराब हो जाए ना डॉक्टर ने बताया था आमदन बहुत फायदा होगा, जब भी तो बताया दिल के में भी होगा वैसे भी फायदा ये था। तो गाइस मुरब्बे के काफ़ी फ़ायदे मम्मी बता रही हैं, लेकिन ये नहीं पता क्या फ़ायदे हैं इतना पता है फायदे। मैं तबियत खराब हुई थी अभी फिलहाल आप लोगों को पता ही होगा, तो दिलवा डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने बताया था आमला का मुरब्बा खा लो, बोले आमला का मुरब्बा खा था तो कुछ दिल के लिए फायदा होगा तभी तो बोला था, है ना? अपनी लाइफ के बारे में बताइए, मतलब कितने साल मतलब कैसी कटी आपकी, क्या करोगे आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, और अब तक आ जाए कभी भी आ जाए, कैसे लगे ये साल आपकी लाइफ के, मतलब आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी हमारा टाइम जा रहा है, एक महीना ऐसा लगा ये 5 साल तो ऐसे निकल गए मेरे लिए पता ही नहीं चले किधर को चले गए। ये तो है 2018 के बाद तो 2023 आ गई, पिछले 5 साल के पता नहीं चले, ये टाइम मुझे तो बहुत जब पास करी है उसके बाद से तो पता ही नहीं चला कि हम जब तक किराए पे रहते हैं ना दिल्ली में तो हमें पता चला महीने का महीना हमारे लिए ऐसा आता था हम किधर लग कितनी मतलब जल्दी आ गया महीना जब भी, और फिर भी हमारा जब हम यहाँ आ गए अपना मकान हो गया जब से फिर तो हमें पता ना चला ये महीना ऐसा लग रहा है जैसे हमें मतलब हफ्ता गुजर गया, और पूरा साल हमें ऐसा लगा जैसे 3-4 महीने ये इतनी जल्दी ये जाती फिर आ जाएंगे तो इसका पता ना चले आ जाएगी 5 महीने बाद फिर ही तो। हाँ तो अभी 6 निकल गए 12वां 5 बड़े 11वें छोटे 11 पता ना चलेगा और निकल जाएगी ये इतनी जल्दी जल्दी आ जाएगी। पहले जब हम बच्चे थे ना बच्चे थे तो हमारे कपड़े हम इंतजार करते थे ईद कब आएगी, क्योंकि एक बार ही बनते थे कपड़े ईद पे ज्यादा सभी का यही एक बार ईद हमारी दादी ने बनने देती थी, दादी बड़ी खतरनाक थी। अच्छा साल में एक बार एक बार तो जब भी तो बच्चे ईद का इंतजार करते थे ऐसा लगता बहुत बहुत मुश्किल। और पहले की दादी बड़ी खतरनाक होती थी है ना, हमारी दादी भी थोड़ी इसमें की थी कह रही थी फजूल खर्चा क्यों कर रहा है, मतलब फजूल लगता था उन्हें ऐसे कहती थी कि फजूल खर्चा क्यों कर रहा है,
कहीं का जाना आना हुआ तो वही कपड़े पहनो, वही कपड़े, ईद को ही बनेंगे कपड़े तो ईद को ही बनेंगे। बाकी हम तो होश संभाला, होशियार हो गए तो थोड़ा ये है, कहीं जाते थे अपने रिश्तेदारी में तो वही कपड़े बनाओ तो बन जाते थे। ऐसा नहीं है कि हमने जवानी भी हमने ऐसी है कि उसमें कपड़े में हमारी बाजी बहुत चलवाया करती थी। मैं कभी ना शर्मा एक जोड़ी कपड़ों में समझ लो अगर परसों गई तो फिर आज चली जाएगी। और आज नहीं जाते लेकिन हमारी नानी क्या क्या करती, लड़की है हमारी गुड्डी वही क्या क्या करती। हम बड़े संभाल के गए हमारी अम्मी की, मेरी बहन के यहाँ हकीका था बच्चों का, तो अम्मी जी मुझे हमारी बाजी ना जाया करती शर्मा करती। मैं चली गई तीनों बहन भैया हम साथ में, मैं चलो छोटा वाला, और जब हम गए तो हमको कपड़े वही पहनना होंगे। तो हमने क्या मुआनी से अपनी मामी से बोले गुड्डी का है तो बोली ऊपर है, हम बड़े संभाल के गए गुड्डी गुड्डी के करें यही आ जाए नाच के वही कपड़े पहने पम्बो को न लाती। हम बड़े कायल हुए पम्मो कौन आप करते हैं बाजू को पम्मो माँ नदी आलू ना, मेरी बाजू का नाम पम्मो था तो पम्मो क्या करते थे, बोली पम्मो को लेके आती खुद ही आ जाए नाच के वही कपड़े पहने। हम बड़े शर्मा दो चार औरतें और थी लड़के भी थी, जब आई मुझे शर्म पहली बार ना तो मुझे कभी शर्म नहीं आई, फिर अम्मी जी के साथ नहीं गई कभी वही कपड़े पहन के नहीं गई। चाय तो बढ़िया बना के लाएंगे तो कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपके लिए काफी यादगार हो। मैं बताऊंगी ये किस्सा मैं और बताने के लायक ही है वो, तुम्हें मजा आएगा सुनो तो बताऊंगी मैं, मगर अभी नहीं फिर अब और उनका फोन आ गया हमारी मिलने वाली होगा उनके साथ उनके पास जा रहे हैं राशन वजन तो लेकिन आराम नहीं अरे आगे साथ आ गया साथ साथ आज चौक ले हूँ मचल साथ ले चाय पी ले ले बादशाह है बादशाह। अम्मी अम्मी नया नई जगह देख के आई है राशन लेने के लिए यहीं पे आसपास पास में अभी चलना। अम्मी हम नहीं जाएंगे कौन जा रहा है ये हमसे बड़े शर्मीले है तो ऐसा करो नौकर लगा लो ये ऐसा ऐसा काम बहुत कर ले करें हाँ नमन भाई है तो बेचारा वो काम करेगा कि ये काम करेगा वो यही दोनों काम करेंगे नौकरी के लिए रह सकते हैं ये चाल बंदी करेंगे बस तुम दोनों भैया चलिए मेरे साथ। नेगर नेगर पेंट का आ गया यार पेंट तो पहन लेता अभी अभी बिल्कुल आ गया मैं अभी तो आया हूँ मैं तो कहेंगे क्यों भेज दिए क्या चोट लग गई अब अच्छा चोट मार के आया क्या कर आया अंगूठे पे अंगूठे के अंदर धागा घुस गया धागा घुस गया अच्छा धागा तोड़ रहा होगा अम्मी इसको थैला तो फिर ये राशन लेकर आएगा दोनों चलो दोनों अरे यही ले अम्मी अब तो अम्मी मैं क्या खाओगे तो मुझे भी कैसा आएगा लेके आओ मैं तो बता दूंगा ये पता हां प्रेस वाले के सामने ले ली मैं हां ले लो मेरा समझ गया था अच्छा इतना समझाना पड़ा ऐसे और वैसे जब जाके समझ में आए तो ऐसा भी लेगा आज ही लेगा ये लेगा अब भी अब जवाब चल रहा है चलो डेढ़ सा आया हूं मैं आज चलो चलो दवा से नगर नहीं अरे नो आया तो अभी बारिश पड़ी थी और अभी धूप भी निकल गई इतनी जल्दी और बादल देखो कितने डेंजरस लग रहे हैं ऐसा लग रहा है वो पेंटिंग वगैरह नहीं होती पेंटिंग लग रही है बिल्कुल पेंटिंग जल्दी जाओ बुला रहे फोन आ गया जल्दी उठ जाए वाली हरकत बच्चा करो मेरे सामने नोट है तुम चले आए पूरे जल्दी उठ तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो यही चले जा करो तो गाइस मेरी तरह आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ बांटने में बहुत ज़्यादा बड़ा काम लगता होगा उनको कुछ बांटना जैसे कि मस्जिद वगैरह में जैसे कोई चीज़ बांटते हैं तो बहुत बड़ा काम लगता है मुझे तो ओ पढ़ने नहीं बैठे हो अभी तो राशन लेकर आए तो राशन लेकर आए तो भाई थोड़ा सा अभी राशन लेकर आया हूँ भिजा पूरा नीचे गहरा हाँ और अब तो अम्मी भी बोलने लगी कि भाई पतला हो जा कितना मोटा होगा पतला हो जा अम्मी ने भी बोल दी ये बात तो मुझे गुस्सा आ चुका है
अब मैं मंडे से जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। चलेगा वहाँ से जिम, चले दोनों भाई। सुबह को उठना पड़ेगा, लेकिन सुबह को जा सकते हैं हम। सुबह को जाएंगे, सबसे पहले चलेंगे यहाँ से रनिंग करने के लिए पार्क में, ठीक है? उधर चलेंगे। शास्त्री पार्क कौन सा एरिया? शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क कौन सा एरिया? वो क्या कहते हैं, पांडुशिला। पांडुशिला सबसे पहले चलेंगे पांडुशिला रनिंग करने के लिए। वहाँ पर एक नया जिम खुला है, वहाँ से जिम करके दोनों भाई घर एक घंटे में, सही है? सुबह को उठ जाएगा, लेकिन मैं दौड़ जाता हूँ सुबह को, अपने बताओ। अगर देखो कहीं ना भी ना अम्मी जा रही है, कहीं ना भी सिलमपुर जाने के लिए चल रहे हैं, कहीं ना भी लोग अम्मी मुझसे पूछ रही हैं और ये नहीं पता कि अम्मी तो ऑर्डर दे रही है। तो गाइस होता क्या है, अगर हमारी अम्मी को कोई भी बात मनमानी होती है अपनी, तो क्या होता है बताओ? अम्मी बयान लगा दे नाफरमानी वाले, नाफरमानी वाला दो में कान में लगाती है मुझे। अम्मी ने लगा रखा है कभी ना कभी घर ही। काश मेरे वालदैन जिंदा होते। ऐसा ऐसी तुम्हारे साथ होता है, तुम तो पढ़ी आते हो। वाश्य को लेके आ रहा हूँ, वाश्य नमाज पढ़ो वाश तो। हाँ आता हम पढ़ते ही आज तो। सीसीटीवी कैमरा लग गया यहाँ पे। अभी तुम खोल के अभी चलेगा, बस ऊपर नहीं चलेगा, यहीं चलेगा। यहीं पे चलेगा, मतलब पता नहीं। ऐसे शर्मा रहा है बांटने में, मुँह छुपा लिया। आज भी तुमसे गोरा हूँ मैं, देख रही हो? मैं ख्यालों में हो गई, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं दिखा रही, मैं ये दिखा रही हूँ कि मेरी चूड़ी के जो निशान है कितने बुरे लग रहे हैं मेरे हाथों पर। फिर माशाल्लाह से गोरा मैं। अरे जाओ यार। वाशा यहाँ पे चाय बनाते हुए। वाशा कैसा चल रहा तुम्हारा होटल चाय का? हमारे बड़ी सलाह 40 लाख रुपए का मकान खरीदा हमने। 48 लाख में कितने जीरो आएंगे? अच्छा बताना। 5 आएंगे, इतना तो आता ही है। 5 जीरो आएंगे बस, पूरा बताओ पूरे। 4800000। नाम क्या है आपके चाय का? हमारे चाय का MB चाय वाला। MB चाय वाला। MBA चाय वाला। पहले 9th तो कर लो। ब्लॉगर चाय वाला। 9th तो कर लो पहले, 9th।